को बी और सी के द्वारा मिलकर पूरा किए जाने में लगे दिनों की संख्या से 1.5 गुने दिनों में कर सकता है। यदि ए और बी मिलाकर उस कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, सी अकेला 120 दिन में कर सकता है, तो बी इस कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन भाई ये कह रहा है कि ए जो है, ए प्लस बी जो है मिलकर एक कार्य को 30 दिन में करते हैं, जबकि सी अकेला उसी कार्य को 120 दिन में करता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं टोटल वर्क की बात करूँ तो 120 एलसीएम हो जाएगा, ए प्लस बी की एफिशिएंसी हो जाएगी कितनी 4, और यहाँ से सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 1। अब इस लाइन को आप पढ़ेंगे ध्यान से, इस लाइन को जहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ए जो है एक निश्चित कार्य को बी प्लस सी के द्वारा किए जाने में लगा समय से 1.5 गुने दिन में करता है। ठीक है, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि बी और सी को एक दिन लग रहा है किसी कार्य को पूरा करने में, तो ए जो है उसी काम को 1.5 गुना समय में कर रहा है। कितना? 1.5 गुना समय में कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बी प्लस सी की एफिशिएंसी की बात करूँ यहाँ से, तो जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। ये अगर टाइम का रेशियो है, ये अगर टाइम का रेशियो है, तो यहाँ से एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2 कितना हो जाएगा आपका, 1:1.5। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 2:2 कितना हो जाएगा आपका, ये 3। ये भी हम इसको कर सकते हैं कि ए का एफिशिएंसी 2 है तो बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है, 3 है। अब यहाँ से देखिए, अगर ए का एफिशिएंसी यहाँ पर 2 है और बी प्लस सी का एफिशिएंसी 3 है, और यहाँ पर देखो सी का एफिशिएंसी 1 है, तो हम यहाँ से क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ए का भाई 2 एफिशिएंसी निकल कर आ गया यहाँ से, सी का एफिशिएंसी हमें 1 है और टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, तो यहाँ से बी की एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए, 2 और 1 3, 5 में से 3 घटाएंगे कितना, 2। तो बी की एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए भाई, 2। और पूछा गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि बी जो है इस कार्य को कितने दिन में अकेला पूरा करेगा। बी की एफिशिएंसी निकल कर आ गई 2, यहाँ से टोटल वर्क कितना है, 120 अपॉन में करेंगे बी की एफिशिएंसी 2 इक्वल्स टू कितना, 60 डे। तो जो वर्क जो है 60 दिन में कंप्लीट होगा, ऑप्शन नंबर सी।